नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी, हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। बड़ी कयास लगाई जा रही थी, योगी आदित्यनाथ का जो पहला नाम आया हुआ कि अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का जो कि पहली बार का चुनाव होगा। इससे पहले वो 5 बार के सांसद थे गोरखपुर से, लेकिन जो कयास लगाई गई अयोध्या सीट से लड़ने वाले हैं और विधानसभा का पहला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी की जो सीसी की बैठक होती है और बैठक में सामने आता है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपीठाधीश्वर हैं, गोरखपुर को बखूबी समझते हैं, गोरखपुर से 5 बार के सांसद रह लिए हैं, लेकिन उनको पूरा सीट दी गई है गोरखपुर शहर विधानसभा की। हम जानने का प्रयास करेंगे, तमाम जनता हमारे साथ क्या कुछ कहना चाहती है योगी जी को गोरखपुर शहर से लड़ाया जा रहा है इस बार का विधानसभा। सर क्या नाम है आपका? इंद्रजीत पांडे। पांडे जी, सर क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर? हाँ, लड़ना चुनाव बढ़िया है, हम लोग साथ देंगे उनका। बिल्कुल, मतलब इस बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में? हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का ये कहना है कि लड़े वो कोई बात नहीं है और उनकी जीत सुनिश्चित है और विधानसभा 2022 भाजपा। सर क्या नाम है आपका? विनोद मिश्रा। मिश्रा जी क्या कहना चाहते हैं? एकदम योगी जी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, गोरखपुर के का सौभाग्य है। इससे पहले भी 5 बार के विधायक वहां पे रह चुके हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, आखिर क्या ऐसा कारण हो गया? कुछ लगता है राजनीतिक उलट पलट में? अब हाई लेवल की बात है, उसमें हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम तो यह जानते हैं कि योगी जी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे वो जीतेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहीं से भी विधानसभा चले जाए योगी जी की जीत सुनिश्चित है, ऐसा कहना था हमारे साथ मिश्रा जी बने होते। सर आपका क्या नाम है? विजय शंकर मिश्रा। विजय शंकर मिश्रा जी क्या कहना चाहते हैं? जो अभी आपने भी तमाम टीवी चैनलों पे देखा होगा अयोध्या आया, अयोध्या के बाद आज जो फाइनल लिस्ट आती है उसमें कहा जाता है कि गोरखपुर शहर से लड़ रहे हैं। गोरखपुर के भी आप निवासी हैं, भलीभांति गोरखपुर को भी जानते हैं। इससे पहले 5 बार के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल अच्छा छवि था, धरातल पर उतरते थे, लोगों के बीच में उपस्थित होकर लोगों की जनसुनवाई भी करते थे। हालांकि लगता है उनके टिकट का भी कुछ नहीं पता है, लेकिन योगी जी का कंफर्म हो गया गोरखपुर शहर। कितना फायदा मिलेगा पूरे पूर्वांचल को और गोरखपुर को तो मिलेगा ही। जहाँ तक फायदे की बात कर रहे हैं, सभी को दिखाई दे रहा है कि आज़ादी के बाद से अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बने होते हमारे यहाँ से, तो जितना विकास गोरखपुर और पूरे उत्तर प्रदेश का हुआ है उतना न पहले कभी हुआ था और न आगे हो पाएगा। तो इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है, वो कहीं से भी अगर लड़ते हैं तो उनकी जीत और उनकी सीट सब सुनिश्चित है, इसमें कहीं कोई लेस मात्र भी संदेह नहीं है। और हम सब चाहेंगे कि दोबारा फिर एक बार भाजपा की सरकार बने और जो आधी अधूरी चीज़ें रह गई हैं वो भी अपने पूर्णता को पूरी तरह से प्राप्त करें। तो वो अयोध्या से लड़ें, मथुरा से लड़ें, गोरखपुर से लड़ें, कहीं से भी लड़ते हैं तो हर तरफ विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो गोरखपुर से रहे हैं 5 बार तो केवल गोरखपुर का मात्र विकास हुआ है। वो एज ए मुख्यमंत्री हैं और कहीं पर चले जाइए, हम तो मतलब पूरा घूमते हैं, यहाँ से लेकर के आधा यूपी तो हम भी भ्रमण करते हैं और देखते ही हैं कि मतलब चाहे आप, उन्होंने कोई बंटवारा नहीं किया है किसी विशेष वर्ग को लेकर के, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, और वो चाहे आपका मऊ हो, कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि विशेष वर्ग या विशेष क्षेत्र को लेकर के उन्होंने उसमें कोई अंतर किया है। उन्होंने बराबर विकास की गंगा बहाई है और हर तरफ बहाई है, जितना हो सकता है संभव उतना दिया है, किया है और हर जगह से, इसलिए उसमें उनका जीत सुनिश्चित है, कोई संदेह नहीं है। हर जगह से उनकी जीत सुनिश्चित होगी, ऐसा कहना था हमारे साथ विजय शंकर मिश्रा जी थे। सर आपका क्या नाम है? जय विनोद मदनवाल। सर क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर विधानसभा से, क्या आगामी विधायक बन जाएंगे? एकदम 100%। 100%। और क्या विकास के कार्यों से खुश है योगी आदित्यनाथ के कार्यों से? पूरे सब लोगों का विकास हो रहा है तो हमारा भी विकास है। किन किन चीज़ों को लग रहा है कि हाँ इन्होंने ये कर दिया हमारे लिए बढ़िया हो गया है? रोड हो गया, मेट्रो होने वाला है, एम्स बन गया, उड़ाने हो रही हैं यहाँ से, सारे चीजें तो हुई हैं। जगह जगह गांव में बिजली पानी मिल रहा है, मतलब आएंगे योगी ही? योगी ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी सज्जन है, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? हरिद्वार पांडे। पांडे जी, सबसे हमने भी पूछ लिया, सबकी प्रतिक्रिया जान ली, आपका क्या विचार है गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जीत सुनिश्चित है उनकी? सजनवा, हम लोग पहले विधानसभा सजनवा कराने वाले हैं, हम लोग उनको 5 मतलब सांसद उनको 5 बार बना के भेजे हैं, तब से सजनवा में भी विकास कार्य बहुत किए हैं, हमारे गाँव में तभी बहुत विकास कार्य किए हैं। माननीय योगी जी ही रहेंगे हम लोगों के मुख्यमंत्री जो है। अच्छा, और हम लोग चाहते हैं कि योगी जी 5 साल और जो है कम से कम जो अधूरे कार्य है उनको पूरा कर लिया जाए।
जी, मतलब योगी जी की जीत सुनिश्चित है और पुनः योगी सरकार आने वाली है। आने वाली है बिल्कुल। तमाम लोग थे, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। लोगों का ये कहना है कि इस बार पुनः योगी सरकार आएंगे तो योगी ही। विधानसभा गोरखपुर शहर का सीट इससे पहले डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल के खेमे में था, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कार्य किया। लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है कि लगातार जमीन पर उतर के उन्होंने अपना कार्य सुनिश्चित किया था और लोगों को संतुष्टि करने का प्रयास किया था। लेकिन इस बार की जो बैठक में नया निर्णय लिया जाता है, गोरखपुर शहर की सीट जो जा रही है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खेमे में जा रही, चूंकि वो योग पीठाधीश्वर है, यहाँ के गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर हैं, तो उनकी कितनी तूती बोलती है ये जग जाहिर है। लगातार वो भी लोगों के संपर्क में है और लोगों का जो उनके ऊपर विश्वास है वह चर्चा करके पता चला कि कितना विश्वास लोग कर रहे हैं। और जो अधूरे काम है, विकास के कार्यों को तो उन्होंने किया है, लोगों का कहना था, लेकिन जो अधूरे काम है आगामी आने वाले 5 सालों में बेहतर तरीके से करके दिखाएंगे योगी आदित्यनाथ, ऐसा लोगों का विश्वास है और मानना है। अतः लोगों का ये कहना है कि हम पुनः योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचाने जा रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुमत से बनाने जा रहे हैं। सभा का जो चुनाव रोमांचक होता चला जा रहा है, समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का पलायन होता है, तो ये खबर कि उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर सबसे बड़ा सीट है योगी आदित्यनाथ महाराज जी यहाँ से जो है चुनाव लड़ रही है सर विधानसभा से। तमाम समर्थक हमारे साथ दिनेश मणि मिश्रा जी है, वरिष्ठ भाजपा नेता, कितना उत्साह है सर? अब इससे अधिक उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं हो सकता है। जैसे कार्यकर्ताओं ने सुना कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को का टिकट यहाँ से कंफर्म हुआ है, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित हो गया है। जहाँ है कार्यकर्ता डांस करते हुए नजर आ रहा था, गोरखनाथ मंदिर में खिचे जाने गए कार्यकर्ताओं का हुजूम, अध्यक्ष रोकते रह गए कि मत चलो, अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आम नागरिक मानने वाले नहीं थे। और अध्यक्ष जी तीन लोगों के साथ निकले, सबका वहाँ बसता गया, बीजेपी ऑफिस गए, वहाँ से हम लोग आए। आज पूरा गोरखपुर उत्साहित है, निश्चित रूप से गोरखपुर से मैं अपील करता हूँ किसी प्रत्याशी को नामांकन करना ही नहीं चाहिए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को निर्दोष बना देने की अपील करता हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दल से उठ करके हैं इस गोरखपुर के विकास के लिए योगी आदित्यनाथ जी हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गोरखपुर का बड़ा ही नाम रहा है, यहाँ के 5 बार सांसद हैं और वर्तमान में गोरखपुर है, उसकी कितनी पराकाष्ठा समझ में आ रही है। एक तो मैंने कहा ना, जो भी चुनाव लड़ेगा वो प्रतीकात्मक विरोध करेगा, तो अपने संत के प्रति, अपने नेता के प्रति, अपने रहनुमा के प्रति जो गरीबों के लिए काम करता है, जिसकी छाती रही है, एक एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ से निर्विरोध बनाने के लिए करता हूँ, उनका प्रतीकात्मक विरोध न किया जाए। निश्चित रूप से मेरे इस बात पे लोग अमल करेंगे। जय श्री योगी आदित्यनाथ। देवरिया से भी चलकर आए हुए हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी ने, जब से यह ऐलान कर दिया कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विधानसभा सदर सीट से उनका चेहरा नामांकित किया गया है, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं और गोरखपुर में एक हुजूम सा जम गया है और जनसमर्थन मिल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सर दीपक कुमार श्रीवास्तव, मैं देवरिया से चल के आया हूँ। मैं अपने बूथ का बूथ उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। चाहते हैं कुछ गाना गुनगुनाना चाह रहे थे आप? जी सर, मैं 2 गाना गाना चाहता हूँ योगी जी के लिए। आपकी साइकिल तक टूट के छाइए, फिर बाइक में योगी जी आइए। आपकी साइकिल तक टूट के छिटाइए, फिर बाइक में योगी जी आइए। पूरा यूपी के तब बतिया बताई हो, आपकी भुलावा फिर विपक्षिया बा पगलाइल हो। आपकी कामल फिर विपक्षियन के बुझाई हो। गोरखपुर से प्रणोत वाली प्रवासाची न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।